वेरी गुड इवनिंग बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? 3 दिन बाद एग्जाम है। पहला जो पेपर है वो कौन सा है? अकाउंट्स। बहुत सिंपल पेपर आता है, बहुत सिंपल पेपर आता है, बहुत इजी पेपर आता है। आराम से पढ़ो, जितनी तैयारी होगी बेस्ट है, सुपर बेस्ट है, ठीक है ना। ये मान के चलो तुमने जो पढ़ा है एग्जाम में वही आएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। बिंदास रहो, जो हो गया सब अच्छा है। अब अपने अकाउंट चालू करो, ठीक है। अकाउंट्स में टॉपिक है जो अपना बाकी रह गया था, उसको समझ लेते हैं। सर पहली बात क्या है? इंपॉर्टेंट। कितना इंपॉर्टेंट है? देखो इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है क्या? सर ऑब्वियसली आ सकता है। पिछले 6-7 अटेम्प्ट से नहीं आया तो इस बार इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। होता क्या, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले जब भी आप वीडियो में हो उससे पहले प्लीज रिक्वेस्ट है, ब्रांच आप कर लें उसके बाद इस टॉपिक को लें, या फिर ब्रांच में मेथड था डेटा से स्टॉक मेथड वो कर लें उसके बाद इसको करें। सर क्या बात की, उससे क्या मतलब है? देखना ये उससे ही लिंक करता है। क्या बात कर रहे हो सर? पक्की बात? हाँ सर पक्की बात। सर एक बार मैं थोड़ा सा उस टॉपिक का रिविजन कर दूं उसके बाद इस टॉपिक को मैं पढ़ लूंगा। देखो हमारे क्या था, डेटर्स एंड स्टॉक मेथड के अंदर हम दो अकाउंट बनाते थे। आपको अगर ध्यान हो क्या बनाते थे? ब्रांच स्टॉक अकाउंट, और अगर ये एड इनवॉइस साइज बनता है तो एक ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाते थे, एक बनाते थे हम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। सर क्या बात कर रहे हैं? ऐसा बनाते थे, बाहर बनाते थे, यहां लिखते थे हम टू ओपनिंग स्टॉक। ये किस पे आता था? इनवॉइस प्राइस पर। और इस तरह हम क्या लिखते थे? बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व लिखते थे। सर इसमें क्या आता था? सर प्रॉफिट एलिमेंट आता था सर। उसके बाद हम क्या करते थे? कुछ परचेज करते थे। तो वैसे तो हम ब्रांच रेट लिखते थे, बट मैं फिलहाल टू परचेज लिख लेता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परचेज लिख लेते थे, ये भी किससे आता था? इनवॉइस प्राइस पे आता था। और इसका प्रॉफिट एलिमेंट जो भी आप नाम लिखना चाहो वो यहां आता था। लेट सपोज मैं ब्रांच स्टॉक के नाम से लिख देता हूं, वो आपको पता है गुड टू गुड सेंटर ब्रांच आता था, बाय गुड सेंटर ब्रांच आता था, ठीक है। ऐसा होता था। हम यहां क्या करते थे? बाय सेल्स करते थे। अब अगर मान लो कोई लॉस हो जाता, तो मैं क्या लिखता? बाय अबनॉर्मल लॉस। ये भी किसके आता? इनवॉइस प्राइस पर। उसके दो टुकड़े करता, एक तो मैं कॉस्ट एलिमेंट लेता और एक क्या लेता? प्रॉफिट एलिमेंट, ऐसा ही लेता। अब इसमें से जो कॉस्ट एलिमेंट है वो तो मेरा कहां चला जाता? पीएनएल अकाउंट में। और जो प्रॉफिट एलिमेंट है वो कहां चला जाता? ब्रांच एडजस्टमेंट में चला जाता था, टू ब्रांच स्टॉक के नाम से। क्या बात कर रहे हो सर? ऐसा होता था। हाँ सर एकदम होता था। ऐसा हम निकालते थे बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये किस पे आता था? एट इनवॉइस प्राइस। उस तब क्या आता था? टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। लो सर इस तरीके से बनता था और बचा हुआ प्रॉफिट हमारा ब्रांच पीएनएल में चला जाता था। सर ये तो आप डेटा स्टॉक मेथड पढ़ा रहे हो, बात तो अपनी मेमोरेंडम जो भी नाम था, क्या मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट मार्कअप अकाउंट ऐसा कुछ नाम था, तो पढ़ा तो कुछ और रहे थे और ये आपने चालू कुछ और कर दिया। ऐसा क्यों सर? देखिए एक्चुअल में कई बार डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं, अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जब भी कोई बुक्स देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भाई देख हम 100 का माल तेरे को 120 में दे देते, लेकिन हमें इस डिपार्टमेंट का हिसाब रखना है, इस डिपार्टमेंट के कॉस्ट कितने की पड़ी, ठीक है, और डिपार्टमेंट ने कितना कमाया और अल्टीमेट कंपनी ने कितना प्रॉफिट हुआ, वो सब कंपनियां क्या करती है? हिसाब रखती है। इसीलिए जो हमारा ब्रांच या फिर डेटा स्टॉक मेथड में ब्रांच स्टॉक अकाउंट होता था, हमारा मार्कअप अकाउंट डिटो वैसे ही बनेगा। सर क्या बात कर रहे हो? डिटो वैसे ही बनेगा। हाँ सर डिटो वैसे ही बनेगा। फर्क क्या है? फर्क यह
रहेगा, सब नाम चेंज हो जाएंगे। क्या चेंज हो जाएंगे? नाम चेंज हो जाएंगे, मतलब कुछ नाम जो है वो सब हमारे चेंज हो जाएंगे। सर क्या चेंज हो जाएंगे? जैसे कि आराम से समझने की कोशिश करो, अब देखो मैं कुछ नाम चेंज करूंगा। लो जी इसको थोड़ा सा हटा देते, नीचे कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि अपने पास स्पेस रह जाए। लो जी देख रहे हैं, यहां हम लिखते थे 100 करोड़, ठीक है, यहां हम लिखते थे 100 करोड़, तो यहां हम लिख देंगे शांति से, यहां लिख देंगे जो भी आपका मेमोरेंडम 100 करोड़। लो सर, और सर ये ब्रांच एडजस्टमेंट होता था, इसकी जगह हम लिख देंगे मेमोरेंडम मार्कअप। लो सर, क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, पहला डिफरेंस। सर दूसरा डिफरेंस क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे, परचेज लिख देंगे। सर सेल की सेम आई, हाँ सर सेल की सेम आई, मैं चेंज कर दूंगा थोड़ा सा करना है। सर सेल की सेम है, बाकी डिटो सेम का सेम बनेगा, डिटो सेम बनेगा। अब देखो इसमें लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज करेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया, मतलब मैं कुछ नया नहीं सिखा रहा। पहली बार मैं कुछ नया नहीं सिखा रहा हूँ आपको, आपको जो सीखा हुआ है उससे लिखने का तरीका चेंज करो। ओके, कैसे लिखेंगे देखना इसको, आओ जी यहाँ पर मेमोरेंडम स्टॉक कोड बनेगा, इसमें आप सब मेरे साथ देख सकते हो इनवॉइस साइज बनेगा, ठीक है। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में दो एलिमेंट होंगे, पोस्ट एलिमेंट जो इनर पॉलीमेट्रिक हो जाएगा एंड प्रॉफिट, ठीक हो गया, ठीक है, ये आ जाएगा। लो सर, और यहां क्या आ जाएगा सर? बाय बैलेंस सर क्या है? यहां कौन सा अमाउंट आ गई? प्रॉफिट। हालांकि इसमें ट्विस्ट है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब बता दूंगा, लेकिन एकदम मैंने सिंपल कर, ठीक है। अब हमने परचेज किया, अरे सीधा इनको इस पेज में लिखा था, फॉर्मेटिंग चेंज करी है मैंने। लो तो सर फॉर्मेटिंग क्यों चेंज करी? किताब में तेरे किसने फॉर्मेटिंग चेंज कर दी? बाकी इसके अलावा कुछ भी इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लो सर उसके बाद टू परचेज, सर परचेज भी दो बोला आएंगे। अच्छा आप एक काम कर सकते हो, ये प्रॉफिट लिखा ना, इसको एक वर्ड लिख सकते हो मार्कअप, मार्कअप मतलब प्रॉफिट एलिमेंट, ठीक है। टू परचेज एंड मार्कअप। लो सर आउटर बॉर्डर में चला गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपने एंट्री क्या करी समझना, डेटा इसको डेटा से स्टॉक हटा देते हैं, समझाने के लिए था, केवल मिटा देते हैं, मिटा देते। अब देखो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट था, आपने एंट्री की मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट दिया टू परचेज, ठीक है, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट दिया टू मार्क, मतलब प्रॉफिट एलिमेंट इसके नाम से लिख दिया, तो यहां क्या लिखेंगे? बाय मेमोरेंडम स्टॉक। लो जी इसमें क्या आ गया? आपका प्रॉफिट। लो जी सर यहां तक बात समझ में आ गई, ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए। इस तरफ क्या होगा? आओ जी समझते हैं, बाय सेल्स सेम का सेम आ जाएगा। अब देखो कोई भी अबनॉर्मल लॉस होगा, कोई भी अबनॉर्मल लॉस होगा, तो अबनॉर्मल लॉस को दो भाग में बांटेंगे, ठीक है। एक तो वो जो कॉस्ट होगी वो एक प्रॉफिट एलिमेंट है, तो मैं इसको लिख दूं एक बार उसे लिख लेता बाय अबनॉर्मल लॉस। आप चाहो तो इसको अलग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अबनॉर्मल लॉस के दो एलिमेंट होंगे, एक तो कॉस्ट और सेकंड प्रॉफिट, जिसको प्रॉफिट नहीं बोल के क्या बोल दूंगा? मार्क अप भी बोल सकते हो, मार्क डाउन बोल दो, एक ही बात, मार्कअप बोल दो, मार्क डाउन बोल दो, तेरे पे नुकसान हो गया। तो यहां पर ये टिक हो जाएगा और आउटर बॉर्डर में टिक आ जाएगा, और यहां पर ये जो कॉस्ट है ये कहां चली जाएगी? आपकी पीएनएल में चली जाएगी। और मार्क डाउन आपका कहां चला जाएगा? कहां जाएगा? यहां जाएगा। किस नाम से लिखेंगे इसको? हम लिख देंगे, बढ़ा लेते हैं पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। यहां मैं किस नाम से लिखूंगा? टू मेमोरेंडम स्टोर, मेमोरेंडम स्टोर। ये क्या हुआ आपका? मार्क डाउन इन अबनॉर्मल लॉस। लो जी सर ये बात एकदम क्लियर हो गई थी। सर मैंने कुछ भी नया नहीं लिखा, एक भी वर्ड नया नहीं लिखा, ये तो सेम ही कॉन्सेप्ट, बस लिखने का तरीका चेंज है। अब सुनो, नहीं यहां पे एकदम क्लियर हुआ, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं मेरे को।
दिक्कत अब सुनो, मैंने 100 रुपए का माल अगले डिपार्टमेंट को दिया, ले भाई डिपार्टमेंट 100 रुपए का माल है, 120 में देखो इसकी रिपोर्टिंग करनी है, 120 में इसको बेचना है, लेकिन अचानक 5 रुपए उसकी वैल्यू गिर गई। आराम से समझना, 100 रुपए का माल था, मैंने बोला भाई 120 में बेचना, तो अगला रिपोर्ट किसमें कर रहा है, 120 में रिकॉर्ड कर रहा है, 120 में रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन अचानक उसकी 5 रुपए वैल्यू गिर गई। पता उसको लॉस कितने का हुआ, उसको लॉस कितने का हुआ सर, उसको लॉस हुआ ही नहीं, क्या बात कर रहे हो, लॉस नहीं हुआ, नहीं सर उसका 5 रुपए का प्रॉफिट गिर गया। ये समझ में मैंने क्या बोला, 100 रुपए का माल था, ले भाई 120 में बेच, मैंने 120 के हिसाब से डेबिट साइड में एंट्री कर दी, मैंने क्या किया यहां पर लिख दिया 100, यहां लिख दिया 20, 120 और इस तरह लिख दिया 20, अच्छी बात है। लेकिन मैंने बोला अरे यार इसकी तो मार्केट में डिमांड गिर गई, अरे यार कंपटीशन आ गया मार्केट के अंदर, अरे यार अब क्या, अब इसकी वैल्यू 5 रुपए डिक्लाइन कर रहे हैं, कैसे करूं, यहां तो काटा पिटी हो नहीं सकती, तो हम क्या करेंगे, अगर वैल्यू डिक्लाइन हुए तो 5 रुपए इस पर लिख देंगे, ये 5 रुपए किसके हैं, ये डिक्लाइन इन प्रॉफिट है, प्रॉफिट डिक्लाइन कर रहे हैं, ठीक है जी, बात समझ में आई सर, एकदम समझ में आई, लिखो बाय बाय, शांति से सुनो, ये बाय मार्कडाउन, देखो जो मैं येलो कर रहा हूं यहां तो क्या हुआ, ये जो मैं येलो कर रहा हूं येलो ऐसा, ये जो येलो भाई साहब यहां तो लॉस हो गया, लेकिन अब मैं जिसको ये कर रहा हूं ना आपके क्या बोलते अलग कलर से, ये मेरा लॉस नहीं है जा भाई, ये लॉस नहीं है मेरा, ये वैल्यू प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है, प्रॉफिट डिक्लाइन क्या होएगा, प्रॉफिट कम होएगा तो हम क्या एंट्री कर देंगे, सुनो मेरी बात आराम से समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, यहां पर ये आ जाएगा, ये केवल यहां पर है टू मेमोरेंडम स्टॉक लॉस, इतनी बात है, ठीक है, अब बचा हुआ क्या आएगा, बाय बैलेंस शीट या बाय क्लोजिंग स्टॉक, इसको हम निकाल लेंगे बैलेंसिंग फिगर से, ये भी किस पे आएगा, एट इनवॉइस पे आ जाएगा, तो प्रॉफिट एलिमेंट भी यहां पर लिख देंगे बाय बैलेंस, ठीक है, पर बचा हुआ क्या आएगा आपका टू पी एंड एल हो जाएगा, जो हमने प्रॉफिट कमाया है, जैसे वहां ब्रांच एडजस्टमेंट में आता था वैसे यहां पर इतना ही कॉन्सेप्ट है, हाँ सर यही कॉन्सेप्ट है आपका, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस कॉन्सेप्ट में, हाँ एक दो एडजस्टमेंट करने पर सीख लें, बाकी कहानी इतनी है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी और नहीं है, पक्की बात, चलो सर एग्जाम्पल करें, एग्जाम्पल करेंगे तभी स्वाद आएगा, हो जाए एक बात और, इसमें मॉड्यूल में जो कर रखा है उसमें जो मैंने पढ़ाया वही क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बट आंसर अलग तरीके से कर रखा है, मैं जो तरीका बता रहा हूं उस तरीके से इसने क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है, बट इसने आंसर अलग तरीके से सॉल्व कर रखा है, तो मैं जो बता रहा हूं आप उसी से करें, एकदम सही है, मार्क्स पूरे मिलेंगे और वो समझ में भी आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, इस तरीके से करोगे तो क्वेश्चन में लिखकर आएगी, आपस में मैचिंग नहीं होगा, गॉट इट, चलो स्टार्ट कर, देखो क्या लिख रखा है, ग्राम उद्योग के रिटेल स्टोर हैज टू डिपार्टमेंट आदि एंड सेल, फॉर व्हिच ऑफ व्हिच स्टॉक अकाउंट एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट आर क्यूब, ये स्टॉक अकाउंट रखता है मार्कअप रखता है, ऑल द गुड्स सप्लाइड ईच डिपार्टमेंट आर डेबिटेड टू द स्टॉक अकाउंट एट कॉस्ट प्लस मार्कअप व्हिच टुगेदर मार्कअप द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स एंड द सेल प्रोसीड ऑफ द गुड्स आर क्रेडिटेड टू द बैंक, इसमें ये लिख रखा है सब कुछ, क्या लिख रखा है, मार्केट द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सेल प्रोसीड ऑफ द गुड्स आर क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट, द अकाउंट ऑफ मार्कअप इज क्रेडिटेड टू द डिपार्टमेंट मार्कअप अकाउंट, जो मार्कअप है तो क्रेडिट कहां कर देंगे, जो भी होगा उसको मार्कअप अकाउंट में कर देंगे, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स इज रिड्यूस्ड, देखो आगे ना 120 में लिया सोका माल 120 में लिया,
लेकिन अगर ₹5 डिक्लाइन हुई बिलो द नॉर्मल सेलिंग प्राइस देन रिडक्शन मार्कडाउन इज एडजस्ट बोथ इन स्टॉक अकाउंट एंड डिपार्टमेंट मार्कडाउन इसे देख लिया ऐसा लेकिन आंसर में अलग तरीके से कर रखा हूं वैसे नहीं करेंगे ठीक है इसे ऐसे लिखा ऐसे ही करेंगे ठीक है द रेट ऑफ मार्कअप पर खादी डिपार्टमेंट डिस्क्रिप्शन कमाता है और सिर्फ कितना कमाता है 50% द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000 क्या दे रखा है प्लीज आदि का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है पोस्ट पर प्रतिशत दिया हुआ है सेल दिया हुआ है क्या लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ खादी ऑफ 1 जनवरी 2011 इंक्लूड बुक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ व्हिच हैज बीन मार्क डाउन बाय 1260 दीस बुक्स वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट रिड्यूस्ड प्राइस ओ माय गॉड ओपनिंग स्टॉक जो है ओपनिंग स्टॉक जो है उसमें 1260 से इनका प्रॉफिट डिक्लाइन हो चुका मतलब ओपनिंग स्टॉक में 1260 रुपए का प्रॉफिट कम ठीक इस पॉइंट का एडजस्टमेंट करेंगे सर्टेन बुक्स वैल्यू 6900 परचेज फॉर खादी वर्क लेटर इन द ईयर ट्रांसमिशन सिल्क डिपार्टमेंट सोल्ड फॉर 10350 खादी ने थोड़ा सामान सिल्क को भेजा सिल्क ने उसको 10350 में बेच दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स इज इंक्लूडेड इन द खादी डिपार्टमेंट द सेल प्रॉफिट हैव बीन क्रेडिटेड टू सिल्क डिपार्टमेंट क्या हुआ इस कारण से खादी डिपार्टमेंट का जो परचेज है वो इंक्लूड है और जो सेल है वो सेल डिपार्टमेंट इंक्लूड है ठीक है ड्यूरिंग द ईयर 2011 टू प्रमोट सेल्स द बुक्स वर मार्क डाउन ओ माय गॉड मार्क डाउन एज फॉलोस मार्क डाउन हुई खादी की 5600 का तो 60 मार्क डाउन हो गया सिल्क में 2000 में से 2000 मार्क डाउन ऑल द बुक्स वर मार्क डाउन ऑल द बुक्स दैट मार्क डाउन वर सोल्ड except those with silk of the value worth ₹5,000 these were marked down by ₹1,000 sara maal bech diya lekin jo aapka silk ka closing hai usme abhi bhi ₹1,000 ठीक है and then stock taking on 31 december it was discovered that khadi cloth cost 300 number was missing aur bhare ab normal loss ho gaya 300 number ke ka माल खराब हो गया इट वॉज डिसाइडेड इट अमाउंट टू बी रिटर्न ठीक है क्या पूछना है यू आर रिक्वायर टू प्रिपेयर मेमोरेंडम स्टॉक मेमोरेंडम मार्कअप और वीडियो में कौन कुछ सिंपल क्वेश्चन है करने की कोशिश कर पहले हम बनाते हैं कौन सा दोनों में पूछा पहले खादी का बना लेते हैं चलो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन आपके पास है तो इसमें छोटा कर देता हूँ ताकि मुझे दिख जाए और आप इसको सॉल्व कर सकेंगे अपना थोड़ा सा पेन बड़ा कर देते बनाओ मेरे साथ मेमोरेंडम आदि डिपार्टमेंट अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट दूसरा कौन सा बनाते हैं अपन यहां बना दो कम से कम 7-8-10 लाइन छोड़ देना फिर बनाओ मेमोरेंडम मार्कअप खादी मार्कअप अकाउंट लो जी लिख दिया एक सेकंड में मेरा कैलकुलेटर है मेरे पास ठीक चलता है अच्छी ठीक सर सबसे पहले मैंने माल खरीदा इसी में लफड़ा है टू ओपनिंग सर कितने का खरीदा 10,500 एट मार्क सर कितना मार्कअप है 33.33% कॉस्ट तो 10,500 इंटू 33.33% कितना आया सर 3500 सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताइए मैंने सुनना आराम से कुछ लिखने वाला हूं 33.33% कायदे से अमाउंट मेरा कितना आ गया ये आ गया 14,000 आ गया सर अच्छी बात ओपनिंग स्टॉक में 3500 प्रॉफिट इंक्लूड है लेकिन इसने क्या बोला है पॉइंट नंबर वन बस यही टिपिकल बाकी सब इसे ओपनिंग स्टॉक है उसका प्रॉफिट मेरा डिक्लाइन 1260 से
मतलब आप ये 3500 प्रॉफिट जोड़ रहे हो कि 10-5 कॉस्ट है, उसका प्रॉफिट 3500 है, लेकिन इस 3500 में से मैं पिछले साल 1260 का मार्कडाउन कर चुका हूं, एक्चुअल में मेरा जो प्रॉफिट है ना वो कितना है, 3500 माइनस 1260, मतलब ओपनिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट एलिमेंट है ना 3500 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, 3500 माइनस 1260 इंक्लूड होना चाहिए। इसका मतलब यहां पर मैं लिखूंगा लेस। सर क्या लेस करोगे शांति से? मैं करूंगा लेस। सर क्या लेस करोगे शांति से? मैं लेस करूंगा मार्क डाउन इन ट्रीज। पिछले साल मार्क डाउन हो चुका सर, कितना हो चुका? 1260 का मार्क डाउन हो चुका। सर वापस समझो, अरे भी 3500 का प्रॉफिट इंक्लूड होना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आपका 1260 का मार्क डाउन पिछले साल हो चुका, तो उतने रुपए से मेरा ओपनिंग स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होना चाहिए ना, ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहां पर आपका जब ओपनिंग बैलेंस आएगा, इसको नीचे कर देते हैं थोड़ा सा, बाय बैलेंस बीडी आप लिखेंगे तो इसमें 3500 का प्रॉफिट इंक्लूड होना चाहिए, बट यहां मैं बता लिखूंगा माइनस 1260 लिखूंगा, 3500 माइनस 1260 कितना आएगा? 2240। सर आप समझो मेरी बात, 3500 प्रॉफिट ओपनिंग स्टॉक पे होगा, ओपनिंग स्टॉक पे कैलकुलेट करोगे तो 3500 का प्रॉफिट आएगा, लेकिन इसमें पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूड है 1260 का लॉस, दिस बी 1260 का प्रॉफिट कम, मतलब प्रॉफिट कितना है 3500 माइनस 1200 का प्रॉफिट, गॉट इट? बस ये बात नहीं है, बाकी हम दोनों क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते। चलो परचेज किया तो 2 परचेज 75900 एड मार्कअप, मार्कअप कितना आएगा देखो, 75900 इंटू 33.33333% आ गया 25300, ये आ गया 101200। ठीक है, सर क्या आ जाएगा? बाई मार्क बाय मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट कितना आएगा सर? 25600। यहां तक बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। लो सर चले आगे सर। हाँ जी, अब सेल करिए खादी भाई ने, सेल करिए रजिस्टर सिंपल हो जाएगा, बाई सेल कितने का माल बेच दिया? 95600 का माल बेच दिया। अब सुनो मेरा पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हो गया, ये परचेज सेल्स हुई, ओपनिंग स्टॉक वाला पॉइंट। अब सुनो भाई, खादी ने क्या किया? कुछ माल सिल्क को भेज दिया। खादी ने क्या किया? कुछ माल सिल्क को भेज दिया। सर कहां लिखा है? एक बार पॉइंट नंबर 2 पढ़े आप प्लीज, एक बार पॉइंट नंबर 2 पढ़े, एक बार पॉइंट नंबर 2 पढ़े। खादी ने थोड़ा सा माल किसको भेज दिया? सिल्क को भेज दिया। तो खादी के यहां से कम होगा कि नहीं होगा? होगा ना, खादी के यहां से कम होगा तो लिखेगा भाई बाय किसको भेज दिया? मेमोरेंडम सिल्क। सर कितने का माल भेजा? 6900 का, और इसमें जोड़ देंगे एड माल। सर यहां पर समझना कि मैं माल भेज रहा हूं तो मैं माल बेच नहीं रहा, भेज रहा हूं तो मैंने जितना कमाया उसी रेट पर भेज दूंगा। ठीक है, इसके सीआर में आ जाएगा, सिर्फ के डीआर में आ जाएगा 6900 डिवाइड बाय 3 कितना? 2300 का आ गया, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 6900 निकाल लें, 33.33% ही आएगा, कितना हो गया? 9200। ठीक है जी, चलो अभी रिकॉर्डिंग कर रहा है, ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। सर यहां आ गया तो यहां लिख देंगे 2 मेमोरेंडम स्टॉक कितना? 30। लो सर ये भी हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, पॉइंट नंबर 2 भी हो गया, पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है? वो उसने बेच दिया उसकी, ये ठीक है। खादी का 5600 का माल था जिससे 360 रुपए का नुकसान था, गंदी बात, 360 का प्रॉफिट कम हो गया, तो ये 360 रुपए भी आ जाएंगे। सर क्या लिखेंगे हम? यहां लिख देंगे बाय मेमोरेंडम
आराम से बाय मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट ऑब्लिगेटरी लिखते चीज लिखना चाहो तो मार्क डाउन से कितने रुपए करिए 300 आ गया सब 360 रुपए गिर गए लो सब डिक्लाइन हो गए तो यहां पर आ जाएगा टू मेमोरेंडम स्टॉक 360 लो सर ये बात भी आपको समझ में आनी सर यहां तक की बात क्लियर हो गई सर एकदम क्लियर हो गई अब आगे क्या बोलते हैं आगे वाला पॉइंट स्लिप का है स्लिप में देखेंगे ठीक है अब पॉइंट नंबर चार में आते हैं सर मेरा 390 रुपए का माल ये लॉस देखो पोस्ट 390 लॉस एट द टाइम ऑफ स्टॉक टैगिंग ऑन 31 दिसंबर इट वाज डिस्कवर्ड खादी क्लॉथ ऑफ द पोस्ट 390 वाज मिसिंग इट वाज डिसाइडेड अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ खत्म करना है सर रिटर्न ऑफ करना है तो हम क्या करेंगे यहां लिख देंगे अब आ जाएगा यहां पर बाय अब नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल लॉस के दो पॉइंट आ जाएंगे पहला कौन सा जो कहा जाएगा पीएनएल में जाएगा और सेकंड कहा जाएगा आपका मार्कअप अकाउंट में जाएगा लॉस कितने का होगा सर 300 देख लेते हैं 390 रुपए का लॉस हुआ उसका कितना बनेगा देखो 390 बार 3 130 कितना आ गया 520 यहां आ गया यहां क्या आ जाएगा टू मेमोरेंडम स्टोर कितना सर 130 ये कहानी इस पूरे अच्छा सर यहां की बात समझ में आ गई अभी अब क्या बचा अभी सर इसमें क्या बचा बाय बैलेंस सी खत्म बात दोस्त बाय बैलेंस सी कितना आएगा जरा देखिए 1740 प्लस 101000 माइनस 95600 माइनस 9200 माइनस 360 माइनस 520 82 बट ये जो आएगा ये किस पे आएगा इनवॉइस प्राइस पे आएगा ऑब्वियसली पूरा इनवॉइस प्राइस बन रहा है ना तो यहां पर हम टू बैलेंस सीडी निकालेंगे एक लाइन छोड़ के निकाल देंगे बचाओ प्रॉफिट आ जाएगा टू बैलेंस सीडी निकालेंगे तो ये हमारा जो आएगा इस तरीके से निकलेगा 8260 डिवाइड बाय 133.33 इनटू 33.33 इनटू 33.33 206 लो सो ये कंप्लीट हो गया इस तरह और इसमें बचा हुआ क्या जाएगा 2 पीएनएल पीएनएल में जो जाएगा इतना सर 2240 प्लस 25300 माइनस 2300 माइनस 360 माइनस 130 माइनस 20 कितना आया सर 2268 ये इस तरीके से हो जाए बोलो बात समझ में आई कैसे आराम से समझ लो नहीं समझ में आए तो वापस ठीक है चलो करें स्टार्ट ये आपकी कहानी थी ये आपका बैलेंस रहेगा यहां पर ये बैलेंस रहेगा सर अब हमें बनाना है किसका स्लिप का एक बार देख लिया समझ लिया तो डिलीट कर दें एक बार सर सिल्क का बनाना आओ जी सिल्क का भी सिंपल बनेगा सर मेमोरेंडम सिल्क मेमोरेंडम सिल्क अकाउंट और मेमोरेंडम सिल्क मार्कअप लो जी पर्टिकुलर अमाउंट टू ओपनिंग स्टॉक देखो सर इसमें ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है 18600 एंड मार्कअप सर मार्कअप कितना है सर इसके अंदर 50% है 18600 इनटू 50% होगा 300 देखो इसमें ओपनिंग स्टॉक में कुछ गड़बड़ नहीं है तो यहां पर सिंपल आ जाएगा यहां पर ठीक है यहां आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी इतना 9300
अब उसके बाद परचेज हुआ तो टू परचेज 9400 एड मार्कअप कितना 9400 इंटू 50% 4700 कितना आ गया 1401 डबल जीरो। ठीक है, इस सब लिखते हैं बाय मार्कअप बाय मेमोरेंडम स्टॉक को कितना आ गया सर 467। लो सर यहां बात क्लियर होनी चाहिए। अब देखो आदि ने थोड़ा सा माल सिल्क को भेजा था, आदि ने थोड़ा सा माल सिल्क को भेजा था, अब तो सिल्क उसकी एंट्री करेगा। एक बात ध्यान रखना, ये जो अमाउंट है ये जो कंपनी है वो बोल रही है, ये क्यों रिकॉर्डिंग पर्पज के लिए, इसका प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं है, ये रिकॉर्डिंग पर्पज के लिए है। तो सिर्फ इसको उतने में रिकॉर्ड करेगा जितने में बोला गया, जितने में कंपनी भी लॉस प्लस इसका खुद का प्रॉफिट। तो यहां पर इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसको रिकॉर्ड किया जाएगा टू किससे आए मान सिर्फ अकाउंट से आएगा, टू मेमोरेंडम सिर्फ अकाउंट से आया, कितना है 600 का माल आया एंड मान, और यहां मार्कअप कितना आएगा बेटा आपको 6900 × 50% आएगा, कितना आएगा 6900 × 50% आएगा 3450। आराम से समझने की कोशिश करना, तो यहां 10350 आ जाएगा और यहां पर आएगा बाय मेमोरेंडम स्टॉक 3450। अब जो समझदार बच्चे हैं वो बोलेंगे सर ये तो फिर एंट्री मैच ही नहीं हुई, वहां तो आप एंट्री किसी और से कर रहे हो, यहां तो एंट्री कर रहे हो। नहीं भाई देखो यहां पर 6200 से एंट्री करी, वहां भी 6200 से एंट्री करी है, और वहां पर बची हुई मार्कअप से एडजस्ट हो गई, तो यहां ये एंट्री मैंने क्रिएट कर ली है। ठीक है ना, तो आपकी 6200 कट गया, बाकी ये मार्कअप से ही एडजस्ट हुआ है। अच्छा लो सर ये काम भी हो गया, अब आगे क्या हो रहा है, पहला पॉइंट मैंने काम करी, दूसरा पॉइंट मैंने कर दिया, तीसरा पॉइंट सिर्फ कितना रिड्यूस हो गया 2000 रुपए से प्रॉफिट डिक्लाइन हो गया। तो यहां अच्छा सेल्स दिखाई नहीं सर, सर आप भाई सेल्स आ जाएगा 125,000 का बाय मेमोरेंडम मार्क अप, जो किसके लिए है मार्क डाउन के लिए, तो कितना मार्क डाउन हुआ 2000 रुपए का मार्क डाउन, यहां क्या जाएगा टू मेमोरेंडम कितने सर 2000। यहां की बात समझ में आई, एकदम समझ में आई, ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। अब कोई और पॉइंट है क्या, देखो पॉइंट नंबर थ्री एक बार के लिए हो गया, क्या नहीं एडजस्ट किया मैंने, इसको एडजस्ट नहीं किया, इसका हम एडजस्टमेंट देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके अलावा पॉइंट नंबर फोर भी इसका नहीं है सर, ये तो कंप्लीट हो गया। हाँ सर कंप्लीट हो गया, देखो अब क्या बचा, आओ बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी बचेगा सर, बैलेंस सीडी कितना बचेगा देखो जरा, आपका 2700 था प्लस 140 था प्लस 10350 था माइनस 125,000 माइनस 2000 कितना बच गया 51,250 बच गया, 51,350 ये बच गया बैलेंस शीट। ठीक है, अब यहां क्या आएगा टू बैलेंस शीट सर, ये इंपॉर्टेंट है, यहां अगर आप ऐसा करते हो 51,350 भाग 150 तो गलत हो जाएगा सर। क्यों, देख 51,350 जो है वो तो समझ में आता है मेरे, ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोल रखा है, मैंने कुछ येलो किया था उसको देखना पढ़ना एक बार, कि ये जो माल हमने मार्कडाउन किया था 2000 रुपए वाला, उसमें से 5000 का माल अभी नहीं बेचा, मतलब ये 5000 का माल अभी भी किसमें इंक्लूड है, क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड है। क्या हाँ सर, ये 5000 रुपए का माल
अभी भी क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड है, अच्छी बात है, और उससे उसने कितना डिक्लेयर हो चुका 1000 रुपए, इसका मतलब 51,350 है उसको आया है 1000 रुपए डिक्लाइन करने के बाद। अगर मुझे नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो पहले नॉर्मल इनवॉइस प्राइस निकालनी पड़ेगी, ये डिपार्टमेंट वाले चैप्टर में खूब पढ़ चुके हो। अगर आपको नॉर्मल प्राइस निकालनी है तो फिर आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो नॉर्मल इनवॉइस प्राइस पर निकलेगा, इस पर निकलेगा डिवाइड बाई 150 × 50, इससे आपका आंसर कितना आएगा, इससे आपका आंसर आएगा डिवाइड बाई 150, इस तरीके से होगा, यह आपको समझना पड़ेगा, ठीक है जी। थोड़ा सा ये सेम लगे आपको ध्यान नहीं है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ खादी में भी किया, खादी में भी सेम कहानी थी, तो यहां बचा हुआ जाएगा PD कितना आएगा देख लो, जब यह आपका जाएगा 9300+46700+3450-2000-16,41,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। लो जी इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट, ये आंसर आपका किताब वाले से नहीं मैच करेगा, उस अलग तरीके से कर रखा है थोड़ा सा, जो किया वो एकदम परफेक्ट है, हम इसी तरीके से हमारा एग्जाम भी करेंगे। अब जिससे क्या पूछा है, एक्सपेक्ट पेडल रिजल्ट, एक्सपेक्ट पेडल रिजल्ट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट एक तो यहां पर आ जाएगा बाय मेमोरेंडम खादी मार्ट, और एक बाय मेमोरेंडम सिल्क मार्ट, मार्केट का प्रॉफिट आपका 41,000 है, इसका प्रॉफिट आपने जो निकाला वो लिख देना। सर कुछ और आएगा क्या, देखो याद करो आपका जो खादी था उसमें 390 रुपए का मिस हो गया था, तो वो दोष आ जाएगा, टू मेमोरेंडम खादी स्टॉक 390 रुपए, ठीक है जी, अच्छी बात है, उसके अलावा कुछ और नहीं आएगा, ठीक है जी, सिल्क वगैरह सब कुछ ठीक है, ये हो ही गया, बस हो गया कंप्लीट, उसके लगे वो लोग है नहीं, अच्छा इस तरीके से होएगा, और ये इस बार एग्जाम में कंफर्म आएगा बच्चों, क्या था ये इस बार एग्जाम में आएगा, या करेगा अपन नोट दिए थे उसके अंदर डिस्काउंट का था, एक्चुअल सेल वैल्यू नॉर्मल सेल वैल्यू से पूछा था, जो मॉड्यूल में नहीं था अपने नोट में था, क्या फिर हुआ, ठीक है जी कंप्लीट है क्लियर है। चलो सर एक क्वेश्चन और है वो भी ट्राई कर लेते हैं, सर वो कहां है, वो है हमारे क्वेश्चन की, चलो करते हैं इस इन दोनों में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इससे अगर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देगा मॉड्यूल में जो दो क्वेश्चन करेंगे दोनों अलग अलग तरीके से, ठीक है, बाकी ये आने के चांसेस हैं, कोई बड़ी बात नहीं, सीधी बात लोगों पास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसमें वही लिखा हुआ है जो मैंने कॉन्सेप्ट में बताया, ठीक है जी, तो सर अलग क्या है, अलग देख लेते हैं, प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, पहली बात ये ओपनिंग स्टॉक दे दिया, परचेज दे दिया, सेल्स दे दिया, देखना इसमें शॉर्टेज ऑफ स्टॉक फाउंड ऑन 31/22 कॉस्टिंग 1100 आराम से, जो 1000 रुपए का कॉस्ट था वो रिटर्न ऑफ करना है, वो हम कर देंगे, शॉर्टेज ऑफ स्टॉक मतलब ये आपका अब नॉर्मल हो गया, शॉर्टेज ऑफ स्टॉक खराब हो गया। अब देखो ये वो खादी वाला पॉइंट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ 1411 इंक्लूड गुड्स 6000 हैज बीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, ओपनिंग स्टॉक में कोई गुड्स था जिसको मैं इस साल बेच दिया एंड बैक बी मार्क्ड आउट इन द सेलिंग प्राइस बाय 600, उसको मैं कितने रुपए से मार्क डाउन कर दिया था, 600 रुपए से मार्क डाउन कर दिया था, द रिमेनिंग स्टॉक हैज बीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, रिमेनिंग हमने बेच दिया, ठीक है। अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, अगर ये इस साल डिक्लाइन मानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और आप इसको पिछले साल डिक्लाइन मानो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, $1200 से
उसकी मार्जिनल कॉस्टिंग कितनी है 5000 रुपए अनसोल्ड। ये देखो ये क्लोजिंग स्टॉक में काम आएगा, अभी भी 5000 का माल हमने नहीं बेचा। कुछ परचेज ड्यूरिंग द ईयर पर मार्जिन बाय 1200 कॉस्ट ऑफ 15000 मार्जिन स्टॉक कॉस्टिंग 5000 रुपए अनसोल्ड ऑन 31/12 डिपार्टमेंट इन क्लोजिंग स्टॉक इज द वैल्यू एक्सपोज्ड सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ मार्जिन एंड मार्कअप एंड मार्जिन। ठीक है तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। रिटा क्वेश्चन है, हम करें नाम क्या है इसका मेमोरेंडम स्टोर और ये पीछे इसके नाम से ठीक है बनाओ मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट वहां दो अलग पेज के अलग नाम लिखने पड़े थे मेमोरेंडम मार्केट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं। तो ओपनिंग स्टॉक कितना सर 65,000 एड मार्कअप सर मार्कअप कितना है 25% है 25% प्लस 16,250 ठीक है ये आउटर कॉलम में आ जाएगा 8125। इसमें तो डिक्लाइन हुआ ना 6% का हुआ इस साल का ही मार्कअप इस साल डिक्लाइन हुआ पिछले वाले डिक्लाइन मानोगे तो क्या होगा यहाँ पर 16,250 माइनस कर सो करके दिखा देंगे ये की बात कोई फर्क नहीं भाई आ जाएगा बाय मार्कअप बाय बैलेंस बीडी सॉरी बाय बैलेंस बीडी 16,250 टू परचेज 2,00,000 एड मार्कअप कितना 50,000 आ जाएगा 2,50,000 रुपये आ जाएंगे तब आ जाएगा बाय मेमोरेंडम स्टॉक कितने रुपये 50,000 रुपये। कोई तकलीफ नहीं है सर एकदम कोई भी तकलीफ नहीं है। चले आए सेल कर दिया बाय सेल में कितना आ जाएगा जरा देखो 3,00,000 रुपये आ जाएंगे भी अच्छी बात है सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या होगा एक कुछ था 1,000 रुपये का जो खराब हो गया तो भाई अब नॉर्मल लॉस में फर्स्ट तो क्या जाएगा पोस्ट दूसरा मार्केट जो लॉस होगा उसमें तो पूरा ही लॉस हो जाएगा ना पोस्ट वाला भी जाएगा तो 1,000 रुपये किसमें आ गए पोस्ट में और 25% तो 250 रुपये यहाँ आ गए 1,250 यहाँ आ जाएगा 2 मेमोरेंडम कितने का लॉस हुआ 250। चलो जी अब देखो आगे क्या बोल रहे ओपनिंग स्टॉक का 600 का नुकसान हुआ वो इस साल का मान लो इस साल हुआ तो मार्कडाउन कर दो मेमोरेंडम मार्कडाउन आप ब्रेक में लिख सकते कोई दिक्कत नहीं इन सब चीजों को कोई फर्क नहीं पड़ता तो मेमोरेंडम स्टॉक यस लो जी यहां की बात समझ में आ गई। अब चले आए अब इस साल हमारे 1,200 रुपये का नुकसान और हो गया जो हमारा मार्कडाउन कोई बात नहीं कर देते हैं बाय मेमोरेंडम मार्कडाउन कितने रुपए सर 1,200 तो सर वो यहां भी आ जाएंगे तो मेमोरेंडम स्टॉक कितने रुपए लो सर इतना ही है हाँ सर इतना ही है बस इसका क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्टमेंट करना होगा सर अब क्या करें बस बैलेंस निकाल दो इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं हमारे क्या दिक्कत है कई बार इसमें क्या फर्क पड़ना है लो सर निकल दिया नीचे इसको यह मेरा काम तो लो सर क्या जाएगा बचाओ बाई बैलेंस सीधी बाई बैलेंस सीधी में लेना है बाई बैलेंस सीधी में बैलेंस की अगर आ जाएगा तो निकाल दो अरे भैया मैंने किससे किया है 3,01,250 प्लस 600 1,200,000 थोड़ा भारी पड़ता है तू बैलेंस सीडी ये समझो 2,200 तो ठीक है प्लस कितना लॉस इसमें इंक्लूड है मतलब कितना लॉस इसमें से माइनस होगा तो देखो ये हमें वर्किंग नोट में अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं कि 1,200 का मार्कडाउन हुआ 15,000 रुपये तो 5,000 का अलग हिस्सा कितना 1,200 का मार्कडाउन कितने पे हुआ 1,500 हजार पे हुआ तो 5,000 रुपये कितना है
400 कितना इनपुट है 400 + 400 / 21 × 25 कितना आएगा तो दो ये तो हमारा वर्किंग नोट आप लिखिए ना अपने हिसाब से करके कोई दिक्कत नहीं ठीक है कितना आएगा 28 200 + 400 - 100 / 25 × 25 कितना आया 5720 और 5720 हम कितना माइनस करते 5720 एक्चुअल प्रॉफिट आ गया नॉर्मल प्रॉफिट आ गया इससे 400 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट 532 बचा हुआ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा तो इसका आपका 5886 ये कहानी है आराम से समझ लो कोई जल्दी शांति से समझ लो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब इसमें से डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट है डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ डिपार्टमेंट ए तो ये ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा किससे बनता है पोस्ट से बनता है तो सिंपल बनना है कैसे बनेगा मैं यही थोड़ा सा बना देता हूँ आप समझ जाओगे इसको डिलीट कर देते चलो इसको सिंपल है सर एकदम सिंपल है तो कैसे ओपनिंग स्टॉक 5000 ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग स्टॉक 65000 टू परचेज 200000 बाय सेल्स 300000 ठीक है इसके अलावा 1000 का नुकसान हो गया ये परचेज में से भी कम हो सकता है हम जब भी लॉस होता है एंट्री करते हैं क्या एंट्री करते हैं लॉस बाय बाय टू परचेज तो इसको हम चाहे परचेज में कम कर सकते हैं इसमें भी ले सकते हैं इसे आपको समझाया हुआ है भाई अब नॉर्मल लॉस कितने रुपये का आ जाए रुपये का बाय क्लोजिंग स्टॉक सर क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दे रखा है तो क्लोजिंग स्टॉक आप निकाल लेंगे तो आपको स्टॉक दिया हुआ है इतना था मैंने मिटा दिया है जो कि बाय बैलेंस के लिए उसमें अब नॉर्मल लॉस माइनस कर देना तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा टू जी इतना सा एग्जाम में करके जाना पक्का आएगा 100% आने के चांसेस है पक्का आएगा ये करके जाना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बाय बाय।